फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। और जो है कि हमारे इस चैनल के द्वारा जो एनएमएससी कंपटीशन एग्जाम है उस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है हम फोर क्लास 8th के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस वीडियो में हुआ क्या है, हमने आयत वर्ग और द्वि त्रिभुज गिनने के तरीके को जाना है। ठीक है, तो आज हम एक विशेष प्रकार का जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज को किस तरीके से काम किया जाता है, त्रिभुज के अंदर बहुत सारे त्रिभुज रहेंगे उन सभी प्रकार के त्रिभुजों को किस तरह से काउंट किया जाता है आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अच्छा लगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर जो ऑन कर लेना है ताकि आपको जो एनएमएससी का जो सबसे पहले अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है एक विशेष प्रकार के जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को किस तरीके से किस तरीके से काउंट किया जाता है आज के इस वीडियो में जानेंगे। और आज के इस वीडियो में आपको अगर विशेष प्रकार के त्रिभुज को काउंट करना सीखना है तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। ठीक है दोस्तों, जो विशेष प्रकार के जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरह से हमको दिखाई देता है और हमको इसमें पूछता है कुल त्रिभुजों की संख्या, हमको इन दोनों जो आकृति के क्वेश्चन है उसमें हमको पूछा है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या हमको इस जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो इसके अंदर में अगर त्रिभुज बनता है किसी भी त्रिभुज के अंदर तो होता क्या है कि उसके अंदर अगर त्रिभुज बनता भी है तो वो जो है कि कुल जो है कि चार त्रिभुजों में डिवाइड होता है। वो कैसे देखिए, सबसे पहले तो ये अंदर वाला एक त्रिभुज, ये हुआ दूसरा त्रिभुज, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो त्रिभुज है उसमें होता क्या है कि अगर जो बड़ा वाला त्रिभुज है उस त्रिभुज के अंदर अगर छोटा वाला त्रिभुज बनता है तो वो पूरे त्रिभुज को चार भाग जो त्रिभुज है उसमें वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार के जो विशेष प्रकार के त्रिभुज हैं इसमें होता क्या है, अगर आपको त्रिभुज के अंदर कितनों सारे त्रिभुज दिए हों, चाहे दो दिए हों चाहे चार दिए हों, अगर इसमें एक दिया है तो हम एक बार चार लिखेंगे, अगर इसमें दो बार चार दिया है, सॉरी देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है वो जो है कि दो दिया है, त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज दिया है तो आपको क्या करना है, दो बार चार लिखना है और प्लस एक कर देना क्योंकि ये सबसे बड़े वाला त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है कि इसको काउंट करना रहता है। इसमें एक नोट करने योग्य बातें हैं वो ये है कि अगर कोई त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज बनता है तो वो पूरे बड़े त्रिभुज को चार भाग में डिवाइड कर देता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन और ये वाला चार। तो इस प्रकार से इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हुई चार, है ना। तो इस तरीके से जो ये इसमें नोट जो करने योग्य जो बात है उस फॉर्मूले के अंतर्गत ये क्वेश्चन इजली सॉल्व हो जाएगा। जो बड़ा त्रिभुज है अगर उसके अंदर छोटा त्रिभुज रहेगा तो वो छोटे त्रिभुज बड़े त्रिभुजों को चार भागों में डिवाइड कर देता है और वहां पे कुल त्रिभुजों की संख्या चार होती है। ठीक है, इसका यही ट्रिक है और यही ट्रिक के थ्रू ये आसानी से काउंट भी कर लेते हैं हम कम से कम समय में और ये सटीक आंसर हमको प्राप्त भी होता है, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हुई चार। तो दोस्तों अब जो है कि इसमें हमको पता चला कि त्रिभुज के अंदर कोई एक छोटा त्रिभुज हो तो वो त्रिभुजों को चार भागों में डिवाइड करता है, अब हम जो है कि इसी ट्रिक के थ्रू ये भी सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसमें ये सबसे पहले ये बड़ा त्रिभुज है, उस बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, फिर उसके अंदर छोटा त्रिभुज है और हमको पूछे यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो आपको हमको सबसे पहले बात तो जो याद रखने होगी जो बात है वो ये है कि अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर जितना भी त्रिभुज बना हो, जिसके यहाँ पे एक त्रिभुज बना है तो वो पूरे त्रिभुज को चार भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक छोटा त्रिभुज बना है वो इस अंदर वाले को चार भाग में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब देखिए, बात को ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे देखिए चार त्रिभुज जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज था तो त्रिभुज जो है कि कुल चार बराबर भाग में बटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एक बड़ा त्रिभुज हुआ, ये वाला है ना, तो ये पूरे त्रिभुज को चार भागों में डिवाइड किया कि नहीं किया, है ना, ये वाला चार भाग में डिवाइड हुआ। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर जो है कि एक त्रिभुज है
तो ये वाला चार हुआ, ठीक है। तो ये वाला अब ये पांचवा, छठवा, सातवा और ये आठवा, ठीक है। अब इसमें आपको एक काम और करना रहता है। देखिए, आपको इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर कोई भी बड़ा त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर जिसके यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हैं, तो दो बार चार लिखिए, उसको प्लस कीजिए। और इसमें जो है कि अगर देखिए चार का डिवाइड हो, तो यहाँ पे एक त्रिभुज है तो इसमें प्लस एक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या 9 हो जाएगी। बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं बोल का आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बात आपको ध्यान से समझिए, जो त्रिभुज होता है उसके अंदर अगर त्रिभुज तो चार भाग में डिवाइड करता है, ये बात हमको पता है, और इसी के थ्रू ये जो है कि सॉल्व होगा। ये एक त्रिभुज हुआ है ना, इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हुआ और इसके अंदर ये त्रिभुज हुआ, तो इसमें जो कि अंदर में कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज। तो अगर दो त्रिभुज है तो हमको पता है कि वो चार भाग में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम दो बार चार लिखेंगे, ठीक है। अब हम जो है कि ये पूरे एक बड़ा वाला को जब जोड़ेंगे तो वो पूरा एक त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हमको एक लिख देना है, मतलब कि देखिए यहाँ पे एक जो बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर त्रिभुज है, फिर उसके अंदर त्रिभुज है, तब हम जो है कि इसमें एक लिखेंगे, एक इस तरह से एक जो है कि लिखा है ना। तो ये इस तरीके से ये सॉल्व होता है। इसमें जो याद करने योग्य जो बात है ना, वो ये है कि त्रिभुज के अंदर अगर जो त्रिभुज बनता है छोटा सा, एक ही त्रिभुज बनता है, तो पूरे त्रिभुज को चार भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये चार भाग में डिवाइड किया, फिर इसके अंदर बना तो वो चार भाग में डिवाइड किया, कुल कितने हो जाए 8। अब जब हम इस पूरे वाले बड़े को मिलाएंगे तो वो जो है कि एक वाला जो त्रिभुज है उसको हम काउंट करेंगे, तो कुल टोटल 9 त्रिभुज हुए इस वाले आकृति में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक विशेष प्रकार के जो त्रिभुज है उसको इसी ट्रिक से सॉल्व करना है। इसके जो याद करने योग्य जो बात है वो ये है कि त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, ठीक है, तो वो त्रिभुज को चार भागों में बांटता है, चार भागों में बांटता है, ठीक है। अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो वो त्रिभुजों को चार बराबर भाग में बांटता है। इस जो सूत्र मान लीजिए, इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसमें जो है कि दो बार जो है कि छोटे त्रिभुज है, तो हमको दो बार चार लिखना, और एक जो है कि बड़ा वाला त्रिभुज है। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें बड़े त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज, फिर उसके अंदर छोटा त्रिभुज है ना, तो इसको हम इसलिए यहाँ पे एक काउंट कर रहे हैं, और उसको जो कि कुल त्रिभुजों की संख्या में जोड़ना, तो हमारे यहाँ पे कुल त्रिभुज की संख्या जो है कि 9 हुआ, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन कर दें ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही जो कि यूजफुल है, उपयोगी है। तो जब इस प्रकार का जो त्रिभुज रहेगा उसको काउंट करने में आपको क्या करना है, अगर इस प्रकार के त्रिभुज में दो या तीन या चार उसके अंदर भी त्रिभुज हो, अगर जो इस प्रकार का बड़ा वाला त्रिभुज है उसके अंदर दो या तीन बार जो है कि त्रिभुज हो, तो हमको दो या तीन बार जो है कि चार लिखकर, जैसे यहाँ पे कितनी बार त्रिभुज हुए, एक दो तीन बार, तो तीन बार हुए तो तीन बार चार लिखें, और तीन से जस्ट एक कम करके दो जो है कि दो बार एक लिख देना है, और उसके बाद हमको जो है कि आंसर प्राप्त हो जाएगा। जितनी बार जो है कि जितने बार अंदर में त्रिभुजों की संख्या रहेगी उतने बार ही हमको चार लिखकर उतने बार हमको चार लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, चार लिखने के बाद हमको ये करना है कि आपको जिसके यहाँ पे दो बार चार लिखे, सॉरी तीन बार चार लिखे, तो तीन में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो। तो दो बार एक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बड़े त्रिभुज है उसको भी काउंट करना है, तो दो बार एक लिखना है और इन सभी को जोड़ना है, तो आपको जो है कि आंसर इजी तरीके से प्राप्त हो जाएगा, परफेक्ट तरीके से कम समय में। और ये ट्रिक जो कि बहुत ही यूजफुल होता है, बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये यूजफुल है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपके ये काम है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप जो यहाँ पे जो
इस प्रकार का त्रिभुज है, उसके अंदर अगर दो तीन बार अगर त्रिभुज दिया है तो जितने बार उसको दो तीन बार त्रिभुज दिया तो दो तीन से बार हमको चार लिखना है, और जैसे दो से तीन बार चार है तो दो से तीन बार चार है तो उसका कितना हो जाएगा, तीन हो गया, तो उसको हम तीन हो गया, छह दो हो गया, तो उतने बार हमको एक लिखना है उन चारों के साथ, और जो कि प्लस कर देना, प्लस करने के बाद जो कि कुल स्थान को प्राप्त हो जाएगा। बात को यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे तीन बार अंदर में त्रिभुज है तो हम तीन बार चार लिखेंगे, और तीन से एक काम कितना होगा दो, तो दो बार एक लिखेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल हमको आंसर जो कि प्राप्त हो जाएगा। अगर इसमें चार बार त्रिभुज है तो चार बार चार लिखेंगे और तीन बार एक लिखेंगे, क्योंकि चार का एक काम कितना होगा तीन, तो यहाँ पे तीन बार एक लिखेंगे और चार बार चार लिखेंगे और उन सभी को जोड़ेंगे तो हमको कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस सूत्र को आप जो कि अपनी कॉपी में नोट कर अपने दिमाग में बसा लीजिएगा ताकि आपको यह जो कि इसी तरीके से ये जो कि आपको सॉल्व हो जाए। तो इस तरह के जो विशेष प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उस त्रिभुजों को जो कि काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए इसका एक सूत्र है, सूत्र को आपको बताया गया है कि अगर कोई त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो हम पूरे त्रिभुज को चार भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके अंदर त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये वाला चार त्रिभुज बनाएगा, फिर इसके अंदर चार त्रिभुज, फिर ये वाला चिन्ह चार बनाएगा। उसके बाद हमको क्या करना रहता है, इसमें एक काम और करना रहता है कि अगर यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हैं, एक दो तीन, तीन त्रिभुज है ना, तो तीन तीन का एक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा दो, तो इसमें हमको दो और ऐड कर देना है ताकि ये जो बड़े त्रिभुज हैं उसको भी हम जो कि इसी तरीके से काम कर जो कि कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर पाए। तो यहाँ पे चार चार आठ, सॉरी यहाँ पे जो है कि हमको ऐसा नहीं करना है सर, तो आपको यहाँ पे देख सबसे पहले काम तो आपको ये करना है, इसको आप खैर छोड़िए, आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपके अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रहता है तो वो पूरे त्रिभुजों को चार भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके अंदर और त्रिभुज तो वो पूरे वो और भी त्रिभुज को चार भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इसका पहला काम, ये करना है कि वो चार भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले काम उसमें कितने त्रिभुज है ये देखना है, और जितने बार जो कि अंदर में त्रिभुज रहेंगे, जैसे कि ये बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर दो त्रिभुज है तो दो बार चार लिखेंगे, है ना। ये हम फर्स्ट काम कर रहे हैं, सेकंड काम आपको क्या करना है देखते हैं। तो आपको इस तरह से चार लिखना है, यहाँ पे एक और त्रिभुज आ गया है तो यहाँ पे भी चार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी चार आ जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर तीन त्रिभुज हैं तो हमको पता है कि वो चार भाग में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम तीन बार चार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद आपको ये करना है कि ये जो त्रिभुज है, ये देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है उसको सबसे पहले देखें, यहाँ पे एक और दो, मतलब कि जो छोटे त्रिभुज हैं वो एक और दो, मतलब कि उनको भी ऐड करना रहता है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको एक एक प्लस ऐसे करके लिखेंगे तब वो ज़्यादा क्लियर रहेगा कि हाँ हमको यहाँ हमने यहाँ से इसको काउंट किया है ना। उसके बाद यह कि सभी को जोड़ दिया है ना, जोड़ने के बाद तो चार चार आठ और एक बारह बारह और एक तेरह और एक चौदह, जो यहाँ पे जो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जो कि चौदह हो गया, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या जो कि चौदह हो गया। तो आपको ये जो विशेष प्रकार का ये ऐसा त्रिभुज होता है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इसमें आपको क्या करना है कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई भी त्रिभुज है तो वो जो कि चार भाग में डिवाइड हो जाता है, मतलब उसको वो चार भाग में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो चार भाग में जब डिवाइड कर देते हैं हमको पता है एक ही त्रिभुज रहे त्रिभुज के अंदर तब वो चार भाग में डिवाइड करते हैं, अगर ये जो त्रिभुज है उसके अंदर भी है तो उसको चार भाग में डिवाइड करेगा, मतलब कि यहाँ पे दो त्रिभुज है तो यहाँ पे दो बार चार लिखना है, ठीक है। आप उस सूत्र को जो आपको बताया गया उस सूत्र को आप जो कि अच्छे से कॉपी में नोट कर दिमाग में याद कीजिएगा जो कि ये इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कहना क्या रहता है, इसमें आपको कहना क्या रहता है, जो त्रिभुज है जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखें हमने इसमें क्या किया, ये त्रिभुज है उसके अंदर जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज उसके अंदर त्रिभुज, तो उसके बाद जो छोटे त्रिभुज कितने हैं इस त्रिभुज के अंदर उसको देखें, तो इसमें दो त्रिभुज है ना, है ना, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज के अंदर, फिर इसके त्रिभुज, तो
इसमें एक ही छोटा त्रिभुज है तो उसको एक ही तो एक लिखेंगे, उसके बाद इन सभी को ऐड करेंगे तो 9, तो ये 9 जो है कि इस आकृति की कुल त्रिभुजों की संख्या है। इसमें हमको इसी तरीके से जो ये जो त्रिभुज होते हैं हमको इस तरीके से ही जो है कि काउंट करना रहता है, ये जो है कि इजली से इजली ट्रिक है ना, कि आपको करना क्या है, अगर कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज के अंदर कोई छोटा त्रिभुज है तो वो पूरे त्रिभुज को 4 भाग में डिवाइड करता है। वहीं से ये जो फॉर्मूला निकलता है कि अगर त्रिभुज के अंदर 2 है 3 है जितने भी हैं, अगर 5 बार त्रिभुज दिए हैं बड़े त्रिभुज के अंदर तो 5 बार 4 लिखेंगे, है ना, अगर 6 बार दिए तो 6 बार 4 लिखेंगे, फिर उसको ऐड करने लगते हैं, है ना। उसके बाद सेकेंड काम आपको ये करने रहते हैं कि त्रिभुज फिर उसके अंदर त्रिभुज दो त्रिभुज छोड़ने के बाद जितने भी छोटे त्रिभुज हैं उसको लास्ट में और ऐड करने रहते हैं, जिससे आपको कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो विशेष प्रकार के जो त्रिभुज है उसको इसी ट्रिक से जो है कि सॉल्व किया जाता है। दोस्तों दोस्तों आपको ये जो है ट्रिक समझ में आया होगा, आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो इस वीडियो में हम विशेष प्रकार के जो त्रिभुज उसको गिनने के बारे में जान लिए, नेक्स्ट वीडियो में और भी जो हमारे नए टॉपिक हैं उन टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, ठीक है दोस्तों। और ये जो कि वर्कशॉप आपको समझ में आया होगा, इसमें करना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ जो त्रिभुज है उसके अंदर जितनी बार त्रिभुज है उतनी बार 4 लिखिएगा, दो त्रिभुज छोड़ने के बाद जितने भी अंदर में छोटे त्रिभुज हैं उनको लिखिएगा, उसके बाद उन सभी का योग कर दीजिएगा, उसके बाद आपको कुल त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर त्रिभुज के अंदर कोई भी छोटा त्रिभुज रहता है तो वो पूरे त्रिभुजों को 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं, उसी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो है कि हम इसी ट्रिक से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय। कीप स्टडी एंड नॉलेज सेल।